नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। शेरसा शहर भारत के हरियाणा राज्य में स्थित सरस्वती नदी के किनारे सरसाईनाथ की धरती राजा सरस के नाम से प्रख्यात बेहद खूबसूरत शहर शेरसा 1838 में बसा अंग्रेजों द्वारा, यानी अंग्रेजों ने इसकी स्थापना की। जिस समय शेरसा की स्थापना की गई, इसकी खूबसूरती के कसीदे पड़े जाते थे। लंबी चौड़ी सड़कें, 8 बाजार, जिनकी अब संख्या 80 हो चुकी है। संतों महात्माओं ने जिस धरती को चुना, ढेरों की नगरी से प्रख्यात ये शहर लोगों की संकुचित मानसिकता के कारण बदसूरती में तब्दील होता जा रहा है। मानो इस शहर की खूबसूरती कहीं खो चुकी है। अधिकारी अपने लालच से बाहर नहीं निकल पाए और सरकार अपने हाथ वोटों से बांध करके रखे हुए हैं, यानी सरकारें भी हाथ पर हाथ रखकर बैठी रही। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अतिक्रमण की, यानी शेरसा शहर की ऐतिहासिकता पर लगा अतिक्रमण का दाग। अधिकारियों की अनदेखी से बिगड़ती गई शहर की सूरत। अतिक्रमण हटाने के नाम पर सरकार बंदरों की तरह उछल कूद तो करती रही, परंतु हुआ कुछ भी नहीं। लोगों ने गलियों और बाजारों की जमीन पर अवैध कब्जे कर लिए। लंबी चौड़ी सड़कें गलियों में सिमट कर रह गई। सरकार की घोषणाओं पर अधिकारियों ने कोई अमल नहीं किया। अगर सरकारी घोषणाओं पर अमल किया जाता तो शहर कभी भी अतिक्रमण की चपेट में नहीं आता। हालांकि यातायात पुलिस ने कुछ नियम बनाए और उनमें सुधार भी करना चाहती थी, परंतु नगर परिषद के अधिकारी सहयोग नहीं करते। अंग्रेजों ने जब शेरसा शहर को बसाया था तो उसका नक्शा जयपुर के समान रखा था, यानी पूरे शहर में 8 बाजार बड़े बाजार थे। बहुत ही लंबी चौड़ी और खूबसूरत गलियां, किसी भी एक गली में घुस जाओ तो पूरा शहर पार किया जा सकता था। हालांकि अतिक्रमण पहले भी होता था, परंतु इतना नहीं जितना आज के हालात हैं। शहर की गलियां कोई भी हो, लंबी चौड़ी और काफ़ी खुली गलियां होती थी, लेकिन आज इनका आकार सिकुड़ चुका है। लोगों ने कब्जे कर लिए, किसी ने रोकने की सहमत भी नहीं उठाई। आज हालात इस कदर बेकार हो चुके हैं कि बड़े बड़े बाजार में चौड़ी सड़कें और गलियां पतली गलियों में तब्दील हो चुकी हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है नगर परिषद, क्योंकि नगर के आकार और स्वरूप को संभालने की जिम्मेदारी नगर परिषद की है। नगर परिषद के लोग पैसा कमाने के चक्कर में आँख पर पट्टी बांध कर बैठ गए और लोग दुकानों के आगे खींची गई पट्टी से पार होते चले गए। पहले बाजारों में अतिक्रमण हुआ करता था तो उसे तुरंत हटा दिया जाता था। अब तो सभी वार्डों और बाजारों में भी अतिक्रमण हो रहा है, जहां ट्रैक्टर ट्राली भी निकलना मुश्किल है। ट्रैक्टर ट्राली की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन ये बता दें कि स्कूटर, मोटरसाइकिल और कारों का निकलना भी दुभर हो चुका है। आप किसी भी बाजार में घुस जाएं और किसी भी बाजार की कोई भी गली ले लें, अगर हम बात करें रोड़ी बाजार की या फिर सदर बाजार की, अब यातायात को लेकर के बाजार के बीच में लाइन खींचकर वाहन खड़े किए जाने लगे। ये यातायात पुलिस ने शायद किया, पर दुकानदारों ने दुकान के बाहर सामान रखना तो बंद नहीं किया। स्थिति यह है कि दो मोटरसाइकिल वाले एक साथ नहीं निकल पाते। अगर बात करें रोड़ी बाजार की तो वहाँ पर आज भी पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा भादरा बाजार में भी हालात बुरे हैं। सरकार चाहे कोई भी रही हो, लेकिन अतिक्रमण भादरा बाजार का कभी नहीं हटा पाई। यहाँ पर पूरा दिन ट्रक, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर ट्राली और छोटा हाथी और कैंटर खड़े रहते हैं, वो भी आड़े तिरछे। अगर यहाँ पर आसपास में कहीं आग लग जाए तो दमकल विभाग की गाड़ियाँ शायद यहाँ कभी नहीं पहुँच पाएंगी। इसके लिए कहा जाने भी लगा है कि पाकिस्तान भले ही सुधर जाए, लेकिन भादरा बाजार नहीं सुधर सकता, क्योंकि दुकानों के आगे सामान रखकर सड़क और गलियाँ बंद कर दी जाती है। वहीं अगर बात करें सर्कुलर रोड की तो यहाँ पर रेहड़ी वालों का राज होता है। सड़कें बहुत चौड़ी हैं, पर चौड़ाई को रेहड़ी वाले खा चुके हैं। अगर सूत्रों की माने तो दुकानदार अपने दुकान के आगे रेहड़ी वालों को खड़ा करने के लिए रेहड़ी चालक से किराया वसूलते हैं महीने के हिसाब से, और ये किराया प्रतिदिन के हिसाब से होता है। उन्हें इस बात का कोई लेना देना नहीं है कि लोगों को इससे परेशानी होती है। ये खूबसूरत नगर बदसूरती की ओर जा रहा है, इसके लिए नगर परिषद जिम्मेदार है, क्योंकि अधिकारी पैसा कमाने के लालच में शहर को गंदा करने वालों के हाथों में सौंप दिया।
हम बात कर रहे हैं वर्ष 2000 में जब इनेलो की सरकार बनी थी, तो नगर की बदसूरती को खत्म करने के लिए प्रयास भी काफ़ी किए गए थे। नगर में पहली बार ऐसा हुआ था कि पार्कों की ओर ध्यान दिया गया था और एक के बाद एक अलग अलग जगह पर कई पार्क विकसित किए गए। इसके अलावा पुरानी MC मार्केट में ट्रेड टावर और पार्किंग की भी व्यवस्था की गई। पार्किंग स्थल बनाने की घोषणा तत्कालीन CM चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने की थी, क्योंकि वे इस शहर से अपने आप को जोड़ करके रखने वाले माने जाते हैं और उनका मानना था कि सिरसा शहर भी दूसरे शहरों की भांति होना चाहिए। इसके लिए बाकायदा सरकार की तरफ से बजट जारी हुआ, पर नगर परिषद के अधिकारियों ने ट्रेड टावर का नक्शा ही नहीं बल्कि नक्शा बदल कर रख दिया। ट्रेड टावर के नाम पर दुकानें बनाई गई, पर वे सुविधाओं के अभाव में खंडर बनती जा रही हैं, क्योंकि जिसने दुकानें ली थी वह लंबे समय तक परेशान रहा और अब तो हालात बुरे हैं, क्योंकि अच्छी खासी जगह को मैदान बनाकर रख दिया गया। यहाँ पर पूरी तरह से रेहड़ी वालों का कब्जा हो चुका है। रेहड़ी वाले या बैंड वाले अपनी रेहड़ियाँ यहाँ खड़ा करते हैं। अगर यहाँ पर पार्किंग स्थल बनाया गया होता तो आसपास के बाज़ारों में अतिक्रमण शायद न होता, यातायात भी प्रभावित न होता। अतिक्रमण हटाने के नाम पर नगर परिषद और दुकानदारों के बीच में नोरा कुश्ती चलती रहती थी। जब भी ऊपर से कोई फरमान आया तो नगर परिषद वाले कुछ दुकानों के आगे रखा सामान उठा करके परिषद ले जाते थे और बड़े दुकानदारों पर न कल कार्रवाई होती थी और न ही आज कार्रवाई होती है। परिषद के अधिकारी उन्हीं दुकानों पर कार्रवाई करते थे जो कि उन्हें सलाम करने नहीं आते थे, जिसके कारण हर छोटे बड़े दुकानदार नगर परिषद के अधिकारियों पर पक्षपात करने के आरोप लगाते आए हैं। कभी नेताओं ने तो कभी व्यापार संघ ने अतिक्रमण नहीं हटाने दिया, क्योंकि वोटों की राजनीति ने हमेशा लोगों के हाथ बांधे। वहीं अगर बात करें BJP सरकार की, जब भाजपा सरकार आई तो कुछ समय तक अतिक्रमण हटाने के नाम पर नौटंकी काफ़ी चली, उसके बाद में हालात पहले जैसे हो गए। CM मनोहर लाल खट्टर के पास फिर से मामला उठा तो उन्होंने पुराना सदर थाना की भूमि पर ट्रेड टावर और पार्किंग स्थल बनाने की घोषणा कर दी। इसके लिए 20 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित भी की गई, परंतु हुआ वही जो हमेशा होता आया है, की गई घोषणा को फिर से रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। थाना तो बदल कर बरनाला रोड पर पहुंच गया, पर यहां पर ट्रेड टावर बना और न ही पार्किंग स्थल। यानी अधिकारियों ने सरकारी घोषणा यानी CM की घोषणा को पानी पिला कर रख दिया। जब अधिकारी CM की घोषणा को भी ताक पर रखने लगे तो उस प्रदेश में विकास केवल कागजों में दौड़ता है, शायद ऐसा धरातल पर कभी कुछ न हो। अब कागजों में क्या होता है वो आप सभी जानते हैं। जहां तालाब बनाया हुआ होता है यानी दिखाया जाता है, वहां पर लोगों की दुकानें होती हैं। किसी भी अच्छे काम को करने के लिए अच्छे अधिकारियों की ज़रूरत होती है। वैसे ही सरकारी योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए अच्छे और नेक अधिकारियों की ज़रूरत होती है, वरना तो सरकार कर्मचारी और अधिकारियों के भरोसे सरकारें हमेशा बदनाम ही होती हैं। अगर सरकार को अपनी योजनाओं, घोषणाओं और परियोजनाओं को अमली जामा पहनाना है तो अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई करनी होगी। अब जाहिर सी बात है कि सरकार अगर अच्छा काम करेगी तो लोग भी उसका गुणगान करेंगे। सरकार अगर घोषणाएं करने तक ही सीमित रह जाए तो उनका जनता नाराज़गी का जवाब चुनाव में ज़रूर देती है। आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट।